Good morning, class. Welcome to Bharat Vikas Convent School. I'm speaking for you, and today is your science class. Okay? So, student, let's take your science book. The page number is 77. Okay? In our previous class, we discussed about the world around me. In the sense, kya hai? हमारे चारों तरफ, मतलब total world में, पृथ्वी में, हमारे चारों तरफ क्या क्या चीज है, मतलब एज ए अंतरिक्ष, ओके, स्पेस की हिसाब से कितने कितने चीज है। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे द स्काई, जब हम ऊपर देखते हैं ऊपर क्या दिखता है हमको, स्काई व्हाइट स्काई कलर का बादल दिखता है कि नहीं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्काई बोलते हैं। और क्या पढ़े थे हम लोग कि सन दिखता है। देखिए जब सुबह सनराइज होता है तब क्या होता है, बहुत सुंदर सा ऑरेंज येलो कलर की क्या निकलता है, सन निकलता है कि नहीं। और क्या होता है, वो हम लोग को लाइट देता है दिन में। जब वेदर खराब होता है या फिर क्लाउडी होता है या फिर बारिश आने वाली होती है तब क्या होता है, सन हमको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। ये हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। टुडे क्लास इज योर द मून, ठीक है। आप सन को देखे हैं, सन क्या है आपको पता चल गया है। अभी कुछ आइडिया लेंगे हम मून के बारे में। व्हाट इज मून? मून का मतलब क्या होता है, चांद। जब नाइट में आप लोग बालकनी में बैठे होंगे या फिर घर के बाहर होंगे तब आप देखे होंगे स्काई कैसे दिखता है नाइट में। रात को एकदम एकदम ब्लू नहीं दिखता, तभी स्काई ब्लू नहीं दिखता, ब्लैक दिखता है एकदम रेड। ब्लैक में क्या होता है, व्हाइट कलर की एक डिस्क जैसे कोई चीज देखता है और उसके पास कुछ स्टार साइन करते होंगे। देखिए सी, हियर इज योर द पिक्चर्स। यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्काई बादल है। दिस इज दैट आर द स्मॉल स्मॉल स्टार्स एंड दिस इज द राउंड मून। ओके, मून की शेप्स डिफरेंट डिफरेंट होती है, लाइक कभी हाफ निकलता है कभी फुल निकलता है, नाइट के हिसाब से डिपेंड करता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट, क्या क्या है। लुक एट द स्काई एट नाइट, कैन यू सी ए व्हाइट डिस्क। जब आप रात को स्काई के तरफ देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक व्हाइट डिस्क, मतलब सीढ़ी का डिस्क राउंड जैसा होता है ना छोटा सा, उसी टाइप का मून आपको दिखेगा, ठीक है। यस दैट इज द मून। वो क्या है, व्हाइट कलर का डिस्क जो दिखता है वो मून है, ओके। We see moon at night. अच्छा, जब डे होता है, डे में हम लोग किसको देखते हैं, सन को देखते हैं। लेकिन जब सन क्या होता है, सेट हो जाता है, सनसेट होने के बाद क्या होता है, सूरज डूब जाता है और चांद निकल आता है, ठीक है। इवनिंग में ही चांद निकलना स्टार्ट करता है, रात को चांद दिखता है। We see moon in different shapes and sizes. ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। हर नाइट में मून का शेप सेम नहीं दिखता है, हर नाइट के हिसाब से मून का शेप चेंज होता है। कभी ऐसे छोटा सा मून दिखता है, फिर कभी और ऐसे दिखता है, फिर कभी और ऐसे दिखता है, फिर और ऐसे दिखता है, फिर कभी कभी ऐसे फुल्ली राउंड दिखता है ना। तो ऐसे ऐसे करके मून का शेप और साइज चेंज होता है। इट इज चेंज इट सेप्स एवरी नाइट। सो हर नाइट में इसका सेप थोड़ा 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 चेंज होता है, ठीक है। बॉल शेप्ड मून इज कॉल्ड फुल मून। देखिए जब चांद फुल होगा एकदम राउंड, उसको क्या बोला जाएगा, बॉल शेप्ड मून, इन द सेंस फुल मून, ओके। सो मून के बारे में इतना ही इंफॉर्मेशन था। मून नाइट को निकलता है, मून मतलब स्काई में कैसे दिखता है, डार्क स्काई में व्हाइट कलर का डिस्क जैसे एक दिखता है, उसको क्या बोला जाता है, मून बोला जाता है। और क्या होता है, और होता है इसका हर नाइट में शेप चेंज होता है, जैसे राउंड से आधा हाफ मून, फिर उससे थोड़ा, फिर उससे थोड़ा, ऐसे ऐसे करके शेप चेंज होता है। और क्या, जो जो फुल मून होगा तो वो कैसे दिखेगा, बॉल शेप्ड मून, ओके। सो टुडे क्लासेस इज एनफ, इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट स्टार्स, ओके, थैंक यू।